क्या आपको पता है प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ डीकंपोज होने में कितना वक्त लेता है? 200 साल। जी हाँ। और कितने स्ट्रॉ हर रोज दुनिया भर में यूज एंड थ्रो होते हैं? 50 करोड़ से भी ज्यादा हर रोज। जी हाँ, चौंक गए ना आप। हर रोज 50 करोड़ स्ट्रॉ प्लास्टिक के फेंके जाते हैं। कैसा रहे कि अगर किसी नेचुरल मटेरियल से डिस्पोजेबल स्ट्रॉ बनाए जाएं जो इको फ्रेंडली हो। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सज्जी वर्गीस के स्टार्टअप की, जिसका नाम है सनबर्ड स्ट्रॉज। ये कोकोनट लीव से स्ट्रॉ बना रहे हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह से केमिकल फ्री है और ये इन्वेंशन मार्केट में आते ही हिट हो गया। आज यूके, यूएस, स्पेन समेत 25 देशों से इनके पास 6 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स हैं। सन 2017 में मैंने ये नारियल के सूखे पत्तों से, जो अक्सर जला दिए जाते हैं, उन्हीं से मैंने बायोडिग्रेडेबल ड्रिंकिंग स्ट्रॉज डेवलप किया। उसके बाद हमारी टीम ने 8 स्पेशल पर्पस मशीन्स बनाए जिसकी मदद से हम ये स्ट्रॉज को बना सकते हैं। खास बात है कि झड़ चुके कोकोनट लीव्स जैसे एग्री वेस्ट से बनाए गए ये स्ट्रॉ पूरी तरह से सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल है। इन्हें बनाने से तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। मदुराई, ट्यूटिकोरन और कासरगोड में महिलाएं ये स्ट्रॉ बनाकर वर्गीस की कंपनी को बेच रही हैं। हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम लोग इन मशीनों को गांव में इंस्टॉल करते हैं और उसी गांव की महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग देकर रोजगार का अवसर देते हैं और जो स्ट्रॉज वो बनाती है उन्हें हम सनबर्ड स्ट्रॉज के नाम से मार्केट में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए वर्गीस की कंपनी को कई अवार्ड भी मिले हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसकी जगह इस तरह की इको फ्रेंडली स्ट्रॉ वक्त की जरूरत है। अपना फीडबैक हमारे साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। हमें सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगी तो इन्हें जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।